नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर के इस बुलेटिन में आज बात होगी गुजरात की पोरबंदर लोकसभा सीट के बारे में, जहां से बीजेपी नेता विट्ठल रादडिया सांसद हैं। आपको बता दें, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में यहां पर एनसीपी प्रत्याशी कांधल जडेजा को करीब करीब 2,67,971 वोटों से पराजित किया था। विट्ठल रादडिया को 5,08,437 वोट मिले थे और कांधल जडेजा को करीब 2,40,466 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। तो वहीं 12,180 वोटों के साथ इस सीट पर बसपा के प्रत्याशियों को नंबर 3 की पोजीशन हासिल हुई थी। पोरबंदर गुजरात का बंदरगाह वाला एक प्राचीन शहर है। कटिहार के तट पर स्थित ये शहर आमतौर पर गांधी जी के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। पोरबंदर का निर्माण जूनागढ़ से हुआ था। पोरबंदर में बापू के जीवन से जुड़े कई स्थान हैं जो आज दर्शनीय स्थलों में बदल चुके हैं। 10वीं शताब्दी में पोरबंदर को पोरा वेला कुल कहा जाता था और बाद में इसे सुदामापुरी भी कहा जाने लगा, क्योंकि भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार ये स्थान कृष्ण के मित्र सुदामा का जन्म स्थान है। 16वीं सदी में पोरबंदर मुगलों के अधीन था, बाद में ये ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। भारत की आजादी के दौरान कठियावाड़ के संयुक्त राज्य के एक भाग के रूप में पोरबंदर गुजरात के राज्य के रूप में भारत में शामिल हो गया। बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों और गौरवशाली इतिहास को संजोए इस शहर की आबादी करीब 21,12,259 है, जिसमें से 60% आबादी गांवों में और 39% शहरों में रहती है। यहां की जनसंख्या में 10% SC और 1.71% लोग ST वर्ग के हैं। साल 1977 में यहां पहला आम चुनाव हुआ, जिसे कि भारतीय लोक दल ने जीता था। साल 1980 और 1984 में यहां पर कांग्रेस का राज रहा था, तो वहीं 1989 का चुनाव यहां पर जनता दल ने जीता। साल 1991 के चुनाव में यहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और उसके बाद साल 2004 तक यहां पर बीजेपी का ही राज रहा और गौरधन भाई जाविया यहां से सांसद चुने गए, लेकिन वो यहां पर लगातार 3 बार सांसद चुने गए। साल 2009 के चुनाव में यहां से विट्ठल रादडिया कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। साल 2013 में यहां उपचुनाव हुआ, जिसे भी विट्ठल रादडिया ने ही जीता, लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर यहां से विजयी हुए थे और उनके जीत का क्रम साल 2014 के चुनाव में भी बरकरार रहा। पोरबंदर सीट पर विट्ठल रादडिया का भारी दबदबा है। वो लगातार 3 बार यहां से विजयी हुए हैं। दिसंबर 2018 की रिपोर्टों के मुताबिक विट्ठल रादडिया की पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में उपस्थिति मात्र 15% रही है। इस दौरान उन्होंने ना तो एक भी डिबेट में हिस्सा लिया और ना ही एक भी प्रश्न सदन में नहीं पूछे। रादडिया का ये रिकॉर्ड किसी भी लिहाज से अच्छा तो नहीं कह सकते। साल 2014 के चुनाव में यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 15,39,223 थी, जिसमें से मात्र 8,09,433 ने अपने मतों का प्रयोग करा और मतदान किया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 4,71,495 और महिलाओं की संख्या 3,37,938 थी। पोरबंदर में सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में मेहर जाति के वोटर हैं। इसके अलावा मछुआरे और लोहाना समुदाय के लोग भी निर्णायक वोटों की श्रेणी में आते हैं। यहां पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच में है। इस बार के चुनाव में यहां कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टी की पूरी कोशिश इस सीट को जीतने की होगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा प्रयास इस सीट पर अपने प्रभुत्व को बचाए रखने का होगा। लेकिन शह और मात के खेल में जीतेगा तो वो ही जिसे यहाँ की जनता का साथ और भरोसा मिलेगा। वो किसके साथ है, इसका खुलासा तो चुनावी नतीजे ही करेंगे। आज के सफर में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई संसदीय सीट के प्रोफाइल के साथ। नमस्कार।